हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिलेप्सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एपिलेप्सी होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, देन उसकी एटियोलॉजी, देन वो किस वजह से होता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो एपिलेप्सी होता क्या है, इट इज़ अ ब्रीफ रिकरेंट डिसऑर्डर ऑफ सेरिब्रल फंक्शन यूजुअली एसोसिएटेड विद डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू अनकंट्रोल्ड नर्व सेलेक्टिविटी और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ सेरिब्रल न्यूरॉन्स लीड्स टू रिकरेंट सीजर्स। सी, इसमें होता क्या है, ब्रीफ रिकरेंट डिसऑर्डर मतलब कि बार बार आता है, बहुत शॉर्ट छोटे से ड्यूरेशन के लिए आता है, ठीक है। यूजुअली इसमें होता क्या है कि अनकंट्रोल्ड नर्व सेलेक्टिविटी हो जाती है, या फिर जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल फ्लो या करंट जो है वो जितना नीड है उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर फ्लो होने लगे तो बॉडी में क्या ऑब्वियसली घर की जो बिजली होती है वो भी आपने देखा है कि अगर वोल्टेज अप डाउन होता है तो कैसा, कभी लाइट डिम होता है, कभी बहुत ब्राइट हो जाता है, डिम होता है, ब्राइट हो जाता है। तो इसी तरीके से एपिलेप्सी में भी अगर जो न्यूरोनल डिस्चार्ज है वो एक्सेसिवली फ्लो कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी में ओवरऑल सीजर्स के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, पेशेंट अनकंट्रोल्ड दिखता है हमें, ओके, और मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और क्या टाइप ऑफ एपिलेप्सी है, ठीक है। तो मेनली इसमें ये याद रखना है, ब्रीफ रिकरेंट डिसऑर्डर है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड नर्व सेलेक्टिविटी और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ सेरेब्रल न्यूरॉन्स लीड्स टू रिकरेंट सीजर्स, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल, एक हम मतलब ऐसे एग्जांपल लेते हैं, घर में पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि पुराने टाइम पे ना फ्रिज हुआ करती थी तो उसके ऊपर कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया करते थे जिसको रेगुलेटर बोला करते थे, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब जो हाईली मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे या फिर ऐसे कोई गैजेट्स होते थे जिनमें करंट का फ्लो स्टेबलाइज करने के लिए ना वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया करते थे बाहर। लेकिन क्या होता था कि अगर करंट जितना नीड है अपने रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को चलाने के लिए उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली हमारी रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ ना हो इससे बचने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाते थे कि जो करंट है वो तो पास ऑन हो गई एज इट इज़, जैसे हो रहा है, अगर वोल्टेज अप भी हो रहा है डाउन भी हो रहा है तो जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है ना वो करंट को इतना मॉडिफाई करके उतने ही अमाउंट में करंट फ्लो कराएगा रेफ्रिजरेटर को या फ्रिज को जितनी इस फ्रिज की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर स्टेबलाइजर नहीं होता और जो करंट है वो एकदम से जैसे हाई वोल्टेज का करंट भी अगर पास होता और स्टेबलाइजर नहीं होता तो रेफ्रिजरेटर क्या उसे हैंडल नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो उसके वजह से क्या फ्रिज ख़राब हो सकती थी हमारी, तो उसके वजह से क्या करते थे, स्टेबलाइजर लगाया करते थे। इसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन्स का ना आपस में कनेक्शन होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, लाइक जैसे तारे एक तार दूसरी तार से कनेक्ट हो रही होती है उसी तरीके से मिलियन और बिलियंस ऐसे कनेक्शन हमारे माइंड में न्यूरॉन्स के हो रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या मैसेज फ्लो हो रहा होता है एक न्यूरॉन में तो वो पास होता है दूसरे न्यूरॉन को, फिर तीसरे न्यूरॉन को, फिर उसके बाद जैसे मान लो हमने कोई सेंसरी एक्शन हुआ हमारी बॉडी पे, लाइक ये टच आया, ठीक है, तो इसको एसेस करने के लिए यहाँ के जो नर्व्स हैं वो तो लेकर गई सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के गए ये मैसेज को हमारे CNS तक, ठीक है। फिर हमारे ब्रेन ने एसेस किया, फिर उसके लिए वो कमांड देता है हमारे मोटर न्यूरॉन्स को कि इसके इसके रिप्लाई में करना क्या है, जैसे ये टच हुआ ये हाथ हटाना है या फिर इसको पकड़ना है, तो ये सारा कमांड हमारे ब्रेन के अंदर हो रहा है। और मान लो अगर ये सेंसरी फंक्शन बिना गए ही हमारे माइंड में अचानक से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, ठीक है, एक न्यूरॉन्स की गड़बड़ी आई और उसने भी क्या क्या पास कर दिया मैसेजेस आगे को, तो उसके वजह से क्या होता है हमारे बॉडी पे होल बॉडी पे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, अटैक्स आते हैं, ओके। तो यही है एपिलेप्सी, ठीक है। बस इसमें यही हो रहा होता है कि जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ना उनकी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी हो जाती है और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड बिना किसी रीज़न के अपने आप सडन होने लग जाता है। अब नाउ कमिंग टू एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का हमने निमोनिक्स बनाया, ठीक है, वाइटमिन्स सी, वाइटमिन्स डी जी,
ठीक है, कमिंग टू द फर्स्ट विटामिन्स वी, वी इज़ फॉर व्हाट? वैस्कुलर। वैस्कुलर मतलब हम वेसल्स की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की। तो अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम हो जाए, किस वजह से, मान लो स्ट्रोक हो जाए या हिमरेज हो जाए, तो जो एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियसली वहाँ का जो एरिया सब जो फंक्शन कर रहा है वो हैम्पर होने लग जाएगा। ठीक है, मान लो अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन के उस एरिया को कम हो गए जहाँ जहाँ हमारी स्पीच थी, तो हमारी स्पीच ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सो नेक्स्ट आई इज़ फॉर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में लाइक मेनिनजाइटिस हो गया या ब्रेन एब्सेस हो गया, तो उसकी वजह से मतलब इसमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है। ठीक है, लाइक हमारा ये जो ब्रेन है, मान लो ये डब्बा है और इसके अंदर ये सामान रखा है और सामान ठूसे जा रहे हैं, सामान तो एज इट इज़ रखा है लेकिन जो डब्बा है ना वो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, तो इसी का इंटरक्रेनियल प्रेशर रेज होगा और ये क्या करेगा, ये इस पर क्रेनियम पे प्रेशर इफेक्ट डालेगा। तो जिस एरिया पे प्रेशर इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उसका फंक्शन तो हैम्पर होगा, यार कपड़े ठूस ठास के रखेंगे तो फिर क्या होगा, कपड़ों में मतलब सिकुड़न आ जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसी तरीके से इंटरक्रेनियल अगर प्रेशर रेज होगा तो जिस एरिया पे प्रेशर पड़ेगा वहाँ का भी जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर विजन के एरिया पर प्रेशर पड़ा तो हमारे विजन हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज फॉर ट्रॉमा, लाइक अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई भी इंजरी हो जाए, तो ऑब्वियसली इंजरी होगी, वहाँ के सेल्स डेथ होगा और साथ साथ वहाँ पर ब्लड लॉस होगा, अगेन एपिलेप्टिक साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ आर मोस्टली हर एक डिजीज़ में मोस्ट प्रोबेबली ये कॉज होता ही होता है। ठीक है, इसमें SLE है। और नेक्स्ट M इज़ फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइक अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ठीक है, और हाइपोनेट्रीमिया हो जाए तो भी एपिलेप्टिक अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में मतलब जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में कम हो जाए। ग्लूकोज इज़ वॉट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू आवर सेल्स। ठीक है, ये एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होता है हमारे सेल को। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ठीक है, अगर ग्लूकोज ही बॉडी में कम हो जाए तो ऑब्वियसली वहाँ के जो सेल्स है वो स्टार्व हो जाएंगे, और अगर सेल्स को भूख लग रही है और उन्हें वहाँ एनर्जी नहीं मिल रही तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, तो भी एपिलेप्टिक अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। आई इज़ फॉर इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजंस, अननोन कॉज, हमें नहीं पता। एन इज़ फॉर न्यूप्लाज्म, न्यूप्लाज्म इज़ अगेन ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर क्या करेगा, ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, प्रेशर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अगर एक बॉक्स है उसमें अगर सिर्फ 8 बॉल रखने की ही जगह है और उसमें आप 9 बॉल ठूस ठूस के रखोगे तो ऑब्वियसली बाकी बॉल्स पे प्रेशर तो आएगा ही। इसी तरीके से न्यूप्लाज्म भी क्या करेगा, बाकी एरिया पे प्रेशर डालेगा, तो जहाँ जिस एरिया पे कंप्रेशन हुआ, प्रेशर है, उसका जो फंक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, देन एस इज़ फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, अगेन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में भी एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं क्योंकि इंसान के ख़ुद के उसमें कंट्रोल में नहीं होते उसके इमोशंस। जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होता तो ब्रेन में न्यूरॉन्स में स्पार्क्स होते ही हैं। ठीक है, देन डी इज़ फॉर ड्रग, ड्रग में अल्कोहल विदड्रॉल में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सेसिव कोकेन ले लें तो भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन जी इज़ फॉर जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा जाता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि मम्मा पापा को एपिलेप्सी है या दादा दादी को एपिलेप्सी है, तो बच्चों को भी एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, सी ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच ये साइनैप्स है। ठीक है, जैसे एक तार दूसरे तार से कनेक्ट हो रही होती है ना, तो उसके बीच में ये साइनैप्स होते हैं ना, जो तारों को मोड़ते हैं हम, तो समझ लीजिए ये वो है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी ग्रीन से दिखा रहे हैं और इनहिबिटरी ऑरेंज से। एक्साइटेटरी में एसिटाइल कोलिन होता है और इनहिबिटरी में गाबा होता है। ठीक है, तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जब एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स, मान लो ये ग्रीन बॉल एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है और ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के एंड पे टर्मिनल पे ये रिसेप्टर्स बाइंड है। ठीक है, रिसेप्टर्स के ऊपर अगर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बाइंड हो जाएं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे चैनल्स क्या हैं, ये चैनल्स जो होते हैं, जो जिसमें सोडियम कैल्शियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पास ऑन हो रहे थे, और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो डिस्चार्ज और जो मैसेज होता है वो फ्लो ऑन होता है। तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स मतलब इस पे रिसेप्टर पे बंद गए, ठीक है, लाइक अगर मान लो ये तो सारे के सारे ताले लगे हुए हैं, ठीक है, ये ब्राउन कलर के ताले लगे हुए, इनके ऊपर चाबी लगनी बाकी है, अगर चाबी एक्साइटेटरी की लग गई तो इसका मतलब कि जो मैसेज है वो पास ऑन होगा और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑन होगा आगे।
ठीक है, और अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आ गए, लाइक गाबा अगर आ गया, ऑरेंज चाबी लग गई, तो जो मैसेज है वो आगे पास ऑन नहीं होगा, जहाँ तक का वो मैसेज है वो उसी एरिया तक रहेगा, ठीक है। अब नो व्हाट हैपेंस, नॉर्मली बैलेंस रहता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स में, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो बैलेंस होता है ये खो जाता है, ठीक है, और बिना कंट्रोल के करंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फ्लो ऑन होते जा रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशिएशन फेज होता है, उसमें क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में आ जाते हैं, जो हमने पीछे रीजंस पढ़े, कॉजेस पढ़े, उसके वजह से कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में आ जाते हैं, फिर उससे क्या होता है, वो एक्सेसिव न्यूरॉनल डिस्चार्ज भेज रहे होते हैं। लेकिन मान लो अगर एरिया के कुछ न्यूरॉन्स ख़राब हुए, तो बाकी के न्यूरॉन्स के बीच में ये कहीं ना कहीं तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करेंगे ना, कि ताकि आगे ये डिस्चार्ज पास ना हो, मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आगे ना जाए, यहाँ तक कि न्यूरॉन्स में जो इफेक्ट आ रहा है वो तो आ ही रहा है, आगे ना जाए, फॉरवर्ड ना आगे कैरी ऑन हो, तो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का काम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है सेकेंड फेज में, प्रोपोगेशन, ठीक है। नॉर्मली अराउंड द हाइपर एक्साइटेड न्यूरॉन्स देर इज इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, एग्जैक्टली, लाइक जैसे हाइपर एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स के आसपास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स तो होंगे, गाबा तो हो गई आसपास, तो उसको जाके बन जाना चाहिए ताकि आगे ये इलेक्ट्रिकल फ्लो ना हो। लेकिन क्या होता है कि ये जो अपने इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये काम नहीं कर पा रहे होते हैं उस एरिया के, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो अनबायस्ड अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन में, और वो जनरलाइज्ड क्या होता है, हमारे सारे कॉर्टेक्स के सारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, और उसके वजह से फिर हमें एपिलेप्टिक अटैक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, तो सोडियम का लेवल कम होने की वजह से क्या हो जाता है, जोन ऑफ हाइपरपोलराइजेशन जो होता है वो डीपोलराइज हो जाता है। हाइपरपोलराइजेशन जोन कौन सा है, हाइपरपोलराइजेशन जोन वो है जहाँ पर गाबा यानी कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स फंक्शन ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो एरिया है सोडियम की कमी होने की वजह से डीपोलराइज हो जाएगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे फ्लो ऑन होने लगेगा, ठीक है। तो मेनली बस यही है कि दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का इसमें बैलेंस रहता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, और इन दोनों का बैलेंस अगर खो जाता है, तो एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो एक्सेसिवली वर्क करे और इनहिबिटरी उसे रोक नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑन होता रहेगा, और उसके इफेक्ट से हमें बॉडी पे एज अ फिट और अनकॉन्शियसनेस और अदर साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेगा, ओके। नाउ कमिंग टू द टाइप्स, कितने टाइप्स के ये एपिलेप्सी होती है, कॉज वाइज अगर देखें तो दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और लोकेशन वाइज में जनरलाइज एंड फोकल। लाइक फर्स्ट कमिंग टू द कॉज वाइज, प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी इज़ लाइक इडियोपैथिक, वहाँ कोई ऑब्वियस कॉज प्रेजेंट नहीं होता, और ये जनरली 20 इयर्स के कम के लोगों में देखा जाता है, और ये मोस्टली इनहेरिटेड होता है, ठीक है, जेनेटिक्स और जीन्स में पास ऑन हो रहा होता है। और सेकेंडरी सिम्टोमैटिक, सिम्टोमैटिक मीन्स जितने भी हम लोगों ने पीछे कॉजेस पढ़े वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, लोकेशन वाइज में जनरलाइज और फोकल और पार्शियल होता है। जनरलाइज में क्या होता है, यूजुअली ये जो हो रहा होता है एपिलेप्सी, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है, पर ये क्या हो जाता है, वाइड स्प्रेड न्यूरोनल नेटवर्क्स रहते हैं हमारे ब्रेन में, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया मिलियंस और बिलियंस कनेक्शन है, और कनेक्शंस एक दूसरे से बने हुए फटाफट, तो क्या होता है फटाफट जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो फ्लो ऑन करते रहते हैं, पूरा ओवरऑल जो हमारा ब्रेन का एरिया है, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसीलिए इसमें जनरलाइज एपिलेप्टिक फिट्स देखने। और द नेक्स्ट वन इज फोकल और पार्शियल, ये सिर्फ एक एरिया या एक हेमिस्फेयर तक कन्फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एक एग्जाम्पल देखते हैं, जनरलाइज में क्या होगा, एक मान लीजिए बहुत बड़ी हवेली है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो जनरलाइज में क्या होता है, जैसे कमरे की लाइट गई, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट स्पार्क हुआ, वहाँ पे खंभे के आसपास गली में कोई खंभा था, उसमें शॉर्ट स्पार्क हुआ, और वो बिजली प्रोवाइड कर रहा था उनकी हवेली को, तो पहले कमरे की लाइट गई, दूसरे कमरे की लाइट गई, तीसरे कमरे की लाइट गई, ऐसे करते हुए पूरे हवेली की लाइट चली गई, तो ये जनरलाइज्ड हो गया। फोकल में क्या होता है, अगर पहले कमरे की लाइट गई और दूसरे कमरे की लाइट गई, तो हमें पता चल गया कि अभी यहाँ पर शॉर्ट स्पार्क हो गया, तो MCB डाउन कर दो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट फर्स्ट सेकेंड के MCB डाउन कर दिया, तो ये जो लाइट गई, ये जो फ्यूज़ उड़ा है,
ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे कमरे की ही रह गई, आगे पास ऑन नहीं हुआ, तो ये फोकल और पार्शल होता है। ठीक है, फोकल और पार्शल में भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंपल और कम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है, ठीक है, एटलीस्ट उसे पता रहता है क्या हो रहा है। और कॉम्प्लेक्स पार्शल में क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाती है, ठीक है, पेशेंट को आइडिया ही नहीं रहता है कि वो हो क्या रहता है, और उसे रिमेंबर उसे मतलब याद भी नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टाइप्स हो गए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।